में ब्राह्मण मत कहिए, वो जालिम है, वो मक्कार है, वो दुष्ट है, वो क्रिमिनल है। जाति के आधार पर काम बटे हुए हैं ना? ना 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 ना, हम मानते ही नहीं। ये सवाल आप मुझसे कर ही नहीं सकते, जो जो इस सिद्धांत को ही नहीं मानता, जो ब्राह्मण होने का दावा ही नहीं करता, जो एक सच्चा इंसान होने का दावा करता है, जो दलित की लड़ाई को सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है, गोलियां खाने के लिए तैयार है, उससे आप इस तरह सवाल करेंगे तो ये आप जाने। और दलित भी अगर मुझ पर ये लांछन लगाएंगे कि आप ब्राह्मण हो, आप क्यों लड़ रहे हो, आप हमारे साथ मत आइए, तो हम बताइए। मैं बता रही हूँ आपको, मुझे कितने बार ये कहा जाता है, अरे आपका नाम शारदा दीक्षित, अरे आप तो ब्राह्मण हो, आप जाइए एक तरफ हो जाइए। हमें ये समझना होगा, दलित भाइयों को भी और सारे समाज को, कि हमें अपने दलित भाइयों को गले से रगा के रखना है। ये जो गुंडे बदमाश लफंगे बीजेपी ने पाले हुए हैं, या कांग्रेस ने पाले हुए हैं, या किसी भी सत्ता में बैठी सरकार ने पाले हुए हैं, उनको पहचान कर अपने में से भगाना पड़ेगा, उनको सताना पड़ेगा कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। शारदा जी, मोदी जी ने 2016 में कहा था बाकायदा खुले मन से कि मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर लो, उसके बावजूद देश में दलितों पर अत्याचार के मुकदमे वो मामले रुके नहीं है। देखिए, ये इस तरह के दलित हितैषी हैं कि ड्रामे के लिए दलितों के घर खाना खाते हैं और खाना 5-स्टार होटल से मंगवा के वहाँ बैठ के दिखाते हैं कि हम दलित के घर का खाना खा रहे हैं। इनकी जो बकवास थी कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, वो उसी तरह की बकवास ये भी थी कि दलित भाइयों को शूट मत करो, दलित भाइयों को सताओ मत। दलित भाइयों को सताना, महिलाओं और मजदूर किसानों पर, दलितों पर अत्याचार करवाना, ये इस पूंजीवाद की खुराक है। सत्ता में बैठे लोग खून के प्यासे होते हैं, ये खून के बिना सत्ता तक कायम नहीं रख सकते। दलितों को मरवाएंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाएंगे, उनकी हत्याएं करवाएंगे, और दलित मजदूरों को, किसानों को ये उनके हक मार के उनको आतताई, आतंकवादी और खालिस्तानी बताएंगे। ऐसे अब दलितों को माओवादी कहने लग जाते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं बेचारे, उनको माओवादियों के नाम पर मार डालते हैं। वो सर्वज्ञानी कहाँ से है जब आप देख रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहा है? वो ज्ञानी है? वो देख रहे हैं कि नवरात्रों की फ्री ट्रेन को वो कश्मीर फाइल को सपोर्ट कर रहा है? वो ज्ञानी है? उनसे गंदा गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता अगर वो इस तरह की बात करते हैं। नहीं देना चाहिए, वोट देना चाहिए रोजगार की मांग करते हुए, वोट देना चाहिए शिक्षा के नाम पर, वोट देना चाहिए समानता के लिए कि हमारे दलित, SC, ST, OBC, महिला, छात्र सभी बराबरी का हक पाएं, रोटी रोजी पाएं। हम करेंगे समानता की लड़ाई, हम लड़ेंगे दलित के हक के लिए, महिला के हक के लिए, हम लड़ेंगे अपने आदिवासी भाइयों की लड़ाई। वो जो कर रहे हैं उसका ब्लेम आप किसी जाति विशेष पर मुझ पर नहीं डाल सकते, एक ब्राह्मण होने के नाते। जाति बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, जाति है कि नहीं जाति है? मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा खत्म करने के लिए बड़े संघर्ष की जरूरत है और समाज परिवर्तन की जरूरत है। संघर्ष कौन करे, दलित या ब्राह्मण? सभी मिलके करें। ब्राह्मणों को भी अपने जो गंदगी है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और दलितों को भी अपने चिंतन को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। दलित अगर मुंह चुगाता है, घोड़ी पर चढ़ता है, तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। देखिए, आज लड़ाई रोजगार की ना हो, शिक्षा की आवाज ना उठे, आज नशाखोरी के विरुद्ध आंदोलन ना हो, आज दलित और गरीब, मजदूर, किसान, महिला अपने हक की आवाज़ बुलंद ना करें, इसीलिए ये इस तरह के बीच बीच में हादसे करते हैं कि इंसान को मूंछ तक रखने पे अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो ये साजिशन किया जाता है भाई, क्योंकि इन्हें पता है कि आज युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है और युवा आज बहुत बड़ी संख्या में बहुत बौखलाया हुआ है, गुस्से में है, तो उस गुस्से की आउटलेट बीच बीच में कर देते हैं। कभी ये कश्मीर फाइल का ड्रामा करके, कभी ये किसी गाय की हत्या करवा के, कभी किसी मुस्लिम को मरवा के, कभी किसी दलित को मरवा के उस गुस्से को एक तरह से आउटलेट देते हैं। ड्रामा किसको कहते हैं आप? ये वो ड्रामेबाज है कि माँ के पास अगर जाता है तो वहाँ पर भी इसके वो जो होते हैं ना कैमरामैन, किस एंगल से फोटो, माँ उसको पुचकार रही है, माँ के पैर छू रहा है। ड्रामेबाज ये आदमी है, इसे सत्ता में नहीं, इसे तो फिल्मों में होना चाहिए था। विश्व गुरु बनने की जो पहली शर्त है वो है शिक्षा, और शिक्षा को मटिया मेट करके ये जो लड़के जो हत्याएं कर रहे हैं,
ये इनके हाथ में जो सर्टिफिकेट होंगे 10वीं 12वीं बीए या एमए के, वो एक पेपर डिग्रियां हैं, वो शिक्षित नहीं है। और इस सरकार ने, चाहे वो बीजेपी थी, कांग्रेस थी, चाहे आम आदमी है, शिक्षा से वंचित करके ही लोगों को आवारा, लफंगे, मर्डरर, हत्यारे और क्रिमिनल बनाया जा सकता है। इस समाज को लड़ना पड़ेगा, दलित, स्वर्ण, महिला, मजदूर, किसान और मुस्लिम को एक साथ आकर लड़ना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग शिक्षा से तो दूर ही नहीं रखा गया ना दलितों, को क्यों? ब्राह्मणों के बच्चे भी उसी तरह शिक्षा से वंचित हैं, जो दलित की हत्या कर रहे हैं, वो अशिक्षित, लावार, मतलब लफंगा, मतलब कि क्या कहूँ मैं उसको, कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करूँ, वो मारने वाला ब्राह्मण होके भी कितना गंदा होगा, आप सोचिए कितना लफंगा होगा, कितना क्रिमिनल होगा, वो शिक्षित होके भी, वो ब्राह्मण होके भी क्या हो। मैडम जी, जब दलितों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं देश में, उसके बावजूद जो बहुत सारे संगठन है ब्राह्मणों के, वो कहीं खुलकर सामने नहीं आते हैं उनकी पक्ष में? हम आते हैं सामने भाई, लोगों ने आंदोलन किया है। हम लोग देखिए, मैं अभी बता रही थी भाई को, हाथरस की घटना में हम लोग लगातार महिला संगठनों ने आंदोलन किया, गिरफ्तारियां दी, और जब तक वो हत्यारे पकड़े नहीं गए तब तक हम लगातार आंदोलनरत रहे। अभी भी हमारा ये आज ये कार्यक्रम था, परसों की शायद वो घटना है, और कल यहाँ पे जंतर मंतर पे 2 तारीख को शायद एक वो था, तो मुझे ये मैसेज मिला था। लेकिन क्योंकि हमारे बिजली आंदोलन की जिम्मेदारी हम पे थी, निर्भया के लिए पूरे देश में लोग मोमबत्ती जलाते हैं क्रांति पैलेस में आकर के, उसके लिए क्यों नहीं आ रहे हैं लड़के के लिए? देखो, हम इसके लिए भी उतने ही दर्द में और सड़क पर आते हैं, और हम हमारे इलाके में हमने कैंडल मार्च भी निकाला है, संदीप भाई हैं वहाँ पर भीम आर्मी के हमारे, मेरा जो घर है ना दलित मोहल्ले में ही है, मेरा जो फ्लैट है ये मेरी आखिरी लाइन है, इधर से दलितों के घर गुप्ता मारा जाता है तो उसका बिल्डोजर से घर तोड़ दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ राजस्थान में मुआवजे के लिए रोजाना धरने प्रदर्शन कर रहे हैं दलित। देखो भाई, दलितों को भी, स्वर्णों को भी, सबको एकजुट लड़ना पड़ेगा, भेदभाव की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। जी मारे जाए तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा सरकारी नौकरी, ये कौन कर रहा है? लखनऊ में हो रहा है, यूपी में योगी जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सत्ता में बैठे वो लुटेरे जो ईमान धर्म नहीं रखते, दया माया नहीं रखते। आप और मैं नहीं करेंगे। एक दलित ग्रुप था, एक नहीं कईयों में मेरे साथ ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया कि मैडम आप बहुत अच्छी बात करते हैं, और दलित भाइयों ने इसका विरोध किया कि ये ब्राह्मण हो गए हमारे ग्रुप में कैसे है। तो मैंने कहा कि भाई, जब मैं अपने ब्राह्मण मत को छोड़कर जमीन पर हूँ, तो आप जातिवाद फैला रहे हो, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो कि मैं एक इंसान हूँ, आप मेरे ऊपर दीक्षित का ठप्पा दे के मुझे आउटकास्ट कर रहे हो, मुझे लड़ने नहीं दे रहे हो, आपकी लड़ाई लड़ने से मुझे वंचित कर रहे हो। और सुनिए, उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया, ये बात कहते ही उन्होंने मुझे ग्रुप से, ये 4-5 ग्रुपों में हो चुका, सफदर हाशमी का ग्रुप है, सफदर हाशमी के ग्रुप में इसी तरह मेरे साथ हुआ। छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू अगर कथा करने जाती है, उसको धमकी दे दी जाती है ब्राह्मणों के द्वारा कि यहाँ कथा मत करना, ऐसे ठाकुर होते हैं उनको भी विरोध करना पड़ता। भाई मैं शोषित ही तो हुई, जब वो मुझे आउटकास्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना। मैंने सुबह शाम तक ऐसी बातें झेलता है, तो मुझे उनको समझाना है, इसलिए मैं उनसे गुस्सा नहीं हुई, मैंने उन्हें कहा भाई दिल्ली में 4 सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है, सरकार 1 रुपया नहीं देती उनको मुआवजा, कहते तो ठेकेदार के लोग हैं। यही तो लड़ाई लड़नी है, हर कदम पे लड़ना है भाई, आपको और हमें आंदोलन में उतरना पड़ेगा, सवाल जवाबों से नहीं होगा, घर घर जाकर अलग जगानी पड़ेगी। आप हमारे साथ आइए, दलितों के घरों में चलेंगे, मेरे पड़ोस में ही दलित वाल्मीकि चौपाल है, उसमें बैठ खाना खाने के लिए, खाना नहीं, उनको शिक्षित करने के लिए, समझाने के लिए, चलिए आइए, आपका स्वागत है।